हेलो नमस्कार दोस्तों, वाणी प्रकाशन ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है किताबों की, उसी प्रदर्शनी को हम कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपको तमाम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करने वाले हैं और चीज़ों को समझने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इनको देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जी, प्रियांशु मणि त्रिपाठी। सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी JRF भी हूँ और परास्नातक चल रहा है मेरा। अच्छा। परास्नातक में ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जी, तो सर इस प्रदर्शनी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रदर्शनी वाणी पब्लिकेशन द्वारा ये लगाया जो लगाया गया है जी। छात्र हित में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रोज़ बड़े बड़े विद्वानों का व्याख्यान होता है। जैसे आज कुमार बीरेन्द्र सर, बीरेन्द्र कुमार मीणा सर का व्याख्यान आदिवासी साहित्य पे था जी, जी। तो आदिवासी साहित्य के संदर्भ में काफ़ी कुछ सुनने को, नया जानने को मिला, एक नई दृष्टि मिली। ये हमारे जैसे तमाम छात्रों के लिए अच्छा है, आगे के क्षेत्र के प्रेरणा स्रोत है। हम भी इस क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहें, कुछ करना चाहें, तो हमारे लिए बेहतर है। साथ ही वाणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित तमाम किताबें हैं जो सामान्यतः बाज़ार में देखने को नहीं मिलती, यहाँ आते हैं हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। कई किताबें ऐसी हैं जिनको पहले नहीं सुना हुआ था, यहाँ देख के ले रहे हैं किताबें, तो ये अच्छी पहल है। सर, आपने बताया कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो सर इसके JRF हैं, तो सर इसके अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए, हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बताइए कि क्या कैसे आपने स्टार्ट किया इसको, हिंदी करियर के ऑप्शन में आपने इसको चूज कर लिया? जब शुरू किया था तो सोचा नहीं था, लेकिन हिंदी विषय ऐसा है, साहित्य है, साहित्य लोगों को डुबा लेता है अपने आप में। और हिंदी साहित्य, चूंकि ये लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, साहित्य समाज का विषय है, तो कहीं ना कहीं जब हिंदी के क्षेत्र में हम आए तो लगातार निरंतर रुचि बढ़ती गई, और उसी का देन है कहीं ना कहीं कि आज इस स्तर तक आ गए हैं। उम्मीद है कि आगे भी इस क्षेत्र में और अच्छा करेंगे, बस इन्हीं। सर, आगे आप कुछ किताबों का नाम भी बताना चाहेंगे जो कि स्टूडेंट्स को देख करके लगे कि हाँ, कौन सी किताबें हमारे लिए बेस्ट हैं, कौन सी किताबें हमें पढ़ने की आवश्यकता है, कौन से उपन्यास हमें पढ़ने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों पर भी थोड़ा सा आपको? जी, ऐसे तो अपनी अपनी रुचि की बात है, अपने अपने क्षेत्र की बात है, लेकिन कुछ मूलभूत उपन्यास जैसे गोदान हुआ, इलाहाबाद के जो लोग हैं उनके लिए गुनाहों का देवता, हर ऐसा माना जाता है कि हर इलाहाबादी गुनाहों के देवता से होकर गुजरता है। सर, तो इसमें क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है गुनाहों के देवता में? गुनाहों के देवता में प्रेम की कहानी है, सुधा और चंदन की जो प्रेम की कहानी है, हर इलाहाबादी जीना चाहता है उस जिंदगी को, बेहतरीन है ये गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। यहाँ इलाहाबाद से बात शुरू होकर इलाहाबाद में ही ख़त्म होती है, लेकिन जो प्रेम का जो रूप गुनाहों का देवता में मिलता है, कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देता है, हमें जागृत कर देता है अंदर से, संवेदनात्मक रूप से। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको शेयर किया। बाकी और भी लोगों से हम बात करेंगे कि उनका क्या राय है इस विषय को लेकर के, वो किस टाइप की किताबें को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैम है, हम मैम से बात करना चाहेंगे। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? मेरा MA फर्स्ट सेमेस्टर है, हिंदी से। कहाँ से? यही मेन कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही आपका। कुछ आप अपनी रुचि के बारे में बताइए, कैसे आपने हिंदी को अडॉप्ट किया, क्या कोई इसके बारे में बताइए आप? बचपन ऐसे 12th तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदी से आगे जाना, ज्योग्राफी से ही था, लेकिन फिर यहाँ सब्जेक्ट मिला, धीरे धीरे पढ़ने लगी, और फिर कविताओं में थोड़ा कहानियों में रुचि आई, तो इसलिए हिंदी को चुना मैंने। तो आप भी कुछ कविताएँ कहानियाँ लिखती हैं या कुछ? जैसे कुछ कविताएं ऐसे लिखी हूँ, बाकी तो मेरा हिंदवी में हुआ था। अच्छा। उसके आप एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मुझे अवार्ड मिले हैं। अच्छा, कौन सी प्रतियोगिता थी? वो थी हिंदवी का ही था एक। अच्छा। जगदीश चंद्र गुप्त काव्य प्रतियोगिता। तो यहाँ पे आपने कौन कौन सी किताबें अभी तक देखी हैं जो आपको देख करके अच्छी लग रही है, जो आपको अमूमन मार्केट में ना मिल रहा हो, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है? नहीं, मैं तो ज़्यादातर राजकमल और वाणी प्रकाशन से किताबें खरीदती हूँ, तो ऐसा नहीं है। बाकी मुझे अभी इस समय असाइनमेंट मिला था, तो वही दलित और आदिवासियों पर मैं यहाँ देख रही थी। बाकी किताबें अच्छी आई हैं, कुछ पाश्चात्य आलोचकों की किताबें अच्छी अच्छी आई हैं, और जैसे कुछ कहानियाँ हो गई, तो यही। चलिए, धन्यवाद। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे और उनकी भी राय को जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट किया है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखा है। आप भी आए हैं सर? आप जी सर? बस मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो आप क्या MA कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हाँ सर, मैं MA प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो आप कुछ बताएं अपने इस... सर, जैसा कि आज व्याख्यान था आदिवासी विमर्श पे, कुमार वीरेंद्र सर का व्याख्यान हमने सुना, हमने जाना कि क्या होता है विमर्श, और बहुत सारी बातें
यहाँ पे अगर पुस्तकों की बात की जाए तो आलोचना की पुस्तकें, उपन्यास की पुस्तकें, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श इत्यादि। जैसा कि कहा भी रहता है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, और ये बात सही भी है। हम देखेंगे कि किताबों से अगर हमारा रिश्ता जुड़ जाए तो हम कितना ऊपर पहुँच सकते हैं, वो हमें समृद्ध बनाती हैं किसी भी स्तर से, वैचारिक, दार्शनिक और इत्यादि। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वाणी प्रकाशन में जो कार्यक्रम होते हैं उनसे हमें बेहद लाभ मिलता है, हमारा नैतिक उत्कर्ष होता है, और ये चीज़ें होती रहनी चाहिए जिससे कि समाज में एक आधुनिकता बोध जागृत हो और हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद। आपने इन्फॉर्मेशन अच्छा शेयर किया। बाकी भी हम लोगों से बात करेंगे कि उनके द्वारा क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं, बाकी और चीज़ों को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कुछ, आप बताइए किताबों के बारे में। सर, पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, फिर किताबों के बारे में। मेरा नाम कुमार वीरेंद्र है जी। सर, मैं हिंदी विभाग में हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जी। सर, और वाणी प्रकाशन का जो ये साहित्य उत्सव है इसमें शामिल होने आया हूँ, मेरे विद्यार्थी भी आए हैं। तो ये किताबें ज्ञान का रास्ता खोलती हैं, ज्ञान का रास्ता ही किताबों को से होकर गुजरता है। तो मैं भी उस रास्ते पे चलने के लिए आया, और किताबें काफ़ी हैं, आलोचनाएं किताबें हैं, रचनाएं हैं, कविता पुस्तकें हैं, विभिन्न विमर्शों से, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श से जुड़ी हुई किताबें बहुत हैं, और विद्यार्थी से जुड़ रहे हैं। कुछ किताबें दुर्लभ भी दिख रही हैं जी, और कई संकलन हैं, रचनावलियाँ कई दिख रही हैं, कुछ नई किताबें भी आई हैं। तो इससे ये होता है कि किताबों को खरीदने का सुख से ज़्यादा किताबों को छूने का सुख जी, जी, जी। किताबों को देखने का सुख, पन्ना पलटने का सुख, किताबों के टाइटल से गुजरने का सुख जी, जी। यह भी एक सुख है। बिल्कुल सर। तो सारी किताबें तो सब लोग ले नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किताबों को इसी बहाने, जैसे टाइटल देखा, किसकी किताब है ये देखा, पन्ने पलट कर देखे, क्या लिखा है सो देखा, और कुछ किताबें लोग खरीद भी लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सार्थक है, और इस तरह से किताबें एक जगह डिस्प्ले हो जाती हैं ना, तो सब चीज़ निगाह में आ जाती है। सर, तो आपका मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा लगातार करते रहना चाहिए? हाँ, जो हिंदी जगत से जुड़े हुए हैं। हाँ, हिंदी का क्षेत्र बढ़ा है जी, और उसको बढ़ाने में प्रकाशकों का बड़ा योगदान है जी। सर, तो ऐसे अवसर उपलब्ध होते रहने चाहिए, और इन लोगों ने इस अवसर पर सत्रों का संचालन कराया, गोष्ठियाँ की जी, जी। जैसे अभी आज आदिवासी विमर्श पर बातचीत हुई, गोष्ठी हुई उस पर, तो अच्छा रहा। उसमें सुदीप तिर्की, बीके मीणा के साथ मैं भी था, तो एक संवाद हुआ कि विमर्शों कैसे देखना चाहिए, अन्य विमर्शों से आदिवासी विमर्श कैसे भिन्न है। तो रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है। कल दलित विमर्श पर था, आज आदिवासी विमर्श पर हुआ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आदिवासी विमर्श पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ बताएं कि क्या आदिवासी पे आप लोगों ने क्या प्रकाश डाला आज? आदिवासी विमर्श जो है वो अन्य प्रमुख विमर्शों से, स्मितामूलक विमर्शों से थोड़ा भिन्न इसलिए है कि इसमें सहानुभूति और स्वानुभूति के सवाल से बड़ा सवाल समूहानुभूति का है। तो सामूहिकता के लय में विश्वास करता है आदिवासी विमर्श, इसीलिए अब तक कोई आदिवासी विमर्शकारों ने कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं विकसित किया, और कोई बड़ी आत्मकथा किसी की नहीं आई। ये माना जाता है कि हम सेल्फ, स्व नहीं हैं, ये समाज के हित की बात करते हैं और सामूहिकता में विश्वास करते हैं। और दूसरा ये है कि आदिवासी विमर्श में है कि जल, जंगल, ज़मीन के सवाल पर, विस्थापन के सवाल पर, जो लोग भी एक अच्छी सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, वो सब इस विमर्श के हिस्से हैं, विमर्शकार मतलब हो सकते हैं। और विपुल साहित्य आ रहा है आदिवासी लेखन में, कविताएं खूब लिखी जा रही हैं, उपन्यास खूब आ रहे हैं, कहानियां खूब आ रही हैं, आलोचना आने लगी है, और सब में अस्तित्व का सवाल बड़ा होकर उभर रहा है। अस्मिता मूलक विमर्शों में इस बुनियादी तौर पर कहिए कि अस्तित्व मूलक विमर्श है आदिवासी विमर्श, क्योंकि विस्थापन का जो दर्द है वो ज़्यादातर इस देश के क्या विश्व के आदिवासियों ने ही झेला है, और ज़मीन से काटने की, कटने की जो पीड़ा है वो सब साहित्य में जगह पा रही है, वो पीड़ा अभिव्यक्त हो रही है।
तो एक तरह से जो पीड़ा की अभिव्यक्ति है, अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे से उपजी पीड़ा की अभिव्यक्ति है, तो इस तरह से ये विमर्श चर्चा में है। पहले ये प्रश्न था, आदिवासी प्रश्न था, वो विमर्श में तब्दील हो गया है। सर, आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर किया। सर, मैं आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जो किताबें लगाई गई हैं, क्या इसमें कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल हो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जैसे बीए में हैं, या फिर एमए में कुछ ऐसे हैं, या फिर जो रिसर्च स्कॉलर हैं हमारे उनके लिए भी क्या कुछ हेल्पफुल किताबें हैं? जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ रखी हैं, मानसरोवर है, उनके उपन्यास रखे हैं, प्रेमाश्रम है, इधर तार सप्तक है, अज्ञे की किताब दिखी अभी, तार सप्तक है जी। ये हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में है। एक जिन लाहौर नहीं देखा, जो असगर वजाहत का नाटक है, वो हमारे पाठ्यक्रम में है जी। पाठ्यक्रम के हिस्से भी हैं, और शोध छात्रों के लिए रचनावलियाँ खूब हैं, आलोचना की बड़ी गंभीर पुस्तकें हैं, जिसमें शंभू नाथ जी किताब भक्ति आंदोलन पर जो किताब है वो है, और आदिवासी विमर्श से जुड़े हुए, स्त्री विमर्श से जुड़े हुए 100 दलित आत्मकथाओं पर किताब है जी। तो किताबें बहुत हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा भी कुछ किताबें लिखी गई हैं सर, या फिर लिखी गई हैं लेकिन वाणी से इस प्रकाशन से मेरी किताब नहीं है, दूसरे प्रकाशन से है, वो दूसरी जगह से छपी है। सर, आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, आप खुद भी आएँ, अपने स्टूडेंट्स को भी ले करके आएँ, बाकी हम जी जितने भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं सब ये सर के विद्यार्थी हैं, सब सर के साथ जुड़े हैं, और मैं और भी लोगों से बातें करूंगा, स्टूडेंट्स से भी बातें करूंगा कि क्या चीज़ उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है जी। बीए टू के विद्यार्थी, इनसे आप बात, हाँ आप बताइए सर, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अनिल जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ तथा मैं सर का विद्यार्थी हूँ। सर ने मुझे बताया था कि वाणी प्रकाशन का पुस्तक मेला लग रहा है, तो उसमें पहुँचो और किताबें तुमको अच्छी अच्छी मिलेंगी। जैसा कि सर ने अभी हमें बताया कि आज भी करें हैं तालाब, अनुपम मिश्र जी का है, जो कि सर ने इसको परचेस किया, सर के मार्गदर्शन में हमने इसको लिया, क्योंकि सर ने बताया कि ये जो बुक है, जब इस बुक को जब छापा गया था तो उसमें जो इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी, उन्होंने रॉयल्टी फ्री कर दिया था। आज भी इस पुस्तक की कीमत बहुत कम है, और ये पुस्तक जो है ये पर्यावरण जगत से जुड़ी हुई है, जो कि आदिवासी क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें तालाब के बारे में लिखा गया है, और इसमें राजनीति को भी जोड़ते हुए ये लिखा गया है कि तालाब भले ही आज आपको दिख रहा होगा क्लोरीन से एक सफ़ेद पानी साफ़ हो रहा है, लेकिन पानी तो साफ हो रहा है लेकिन तालाब आज भी खारे हैं तालाब, तो उसे जो ये इसका थोड़ा जो टाइटल है बहुत थोड़ा अजीब है। और एक और जो किताब है, सर ने बताया कि नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, निर्मला पुतुल जी का है, ये भी आदिवासी और पर्यावरण जगत को लेकर लिखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। बाकी हम यहाँ पे और भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इस चीज़ को देखने आए हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने आए हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई किताबें चल रही हैं तो कौन सी किताबें यहाँ पे चल रही हैं। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी बातें करेंगे, कुछ नई किताबें हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कहूँगा कि कुछ नई किताबों को भी शेयर किया जाए, दिखाया जाए इस कैमरे के माध्यम से कि हाँ नई किताबों में कौन कौन सी किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। तो जो और भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे, तो अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा फोकस्ड इधर करें। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इस समय? एमए फर्स्ट सेमेस्टर। एमए, कुछ बताएंगे किताबों के बारे में कि क्या आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, या फिर किस टाइप की चीज़ों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए आए थे? सबसे बढ़िया बात कि किताबों का जो जितने भी सेक्शन बने हुए हैं और वो सब बहुत अच्छे से रखे हुए हैं, और सभी किताबें वो एक तरीके से नई बात कहती हैं, नए साहित्य को सामने रखती हैं, समकालीन साहित्य को सामने रखती हैं। तो हम कोर्स में अपने पहले के साहित्य को पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आज के साहित्य को पढ़ते हैं, और यहाँ पे इन पुस्तक मेला में आके वाणी के हम देखते हैं कि हमारा जो साहित्य है वो आज के समय में कैसा चल रहा है, जो नए लेखकों की किताबें आ रही हैं, नए संपादन में किताबें आ रही हैं, उससे हमें काफ़ी हेल्प होती है। तो इस टाइप की चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही हैं, और यहाँ पे सेल्स मैनेजर साहब के पास भी हम चलेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या जो किताबें यहाँ पे लगाई गई हैं सेल में, क्या इस पे किसी टाइप का डिस्काउंट वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं? सर आप बताइए। 20% डिस्काउंट सभी पुस्तकों पर। सभी पुस्तकों पर जी। यहाँ पे किस किस टाइप की पुस्तकें निकाली जाती हैं कुछ आप भी बताइए? यहाँ पे आलोचना, उपन्यास, कहानी, व्यंग नाटक, और दलित साहित्य, और भारतीय सिनेमा, मीडिया, पत्रकारिता, इस तरह की हमारे यहाँ पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वाणी प्रकाशन समूह से। और ये कहाँ पे आपका प्रदर्शनी लगा है कुछ इसके बारे में हमको बताइए?
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मेजर ध्यानचंद छात्र गतिविधि केंद्र में हमारी पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई है और यह 9 दिनों की है, 13 तारीख को समाप्त हो रही है। तो 13 तारीख से पहले हम कहेंगे कि जिसको भी आना है वो आए। जी 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 जी, हम इतिहास के भी शिक्षक से बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, आप अपने बारे में कुछ। हाँ, डॉक्टर अनिल कुमार यादव, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी सर, सर कुछ आप अपने चीज़ों को, अनुभवों को साझा करें स्टूडेंट्स के बीच में। इन्होंने अच्छा काम किया, एक विश्वविद्यालय में लाए हैं अपने किताबों के लिए, जो भी संग्रह इनका लाए हैं, तो साहित्य और इतिहास की बहुत सारी किताबें आपको दिख रही हैं। सर जो किताबें यहाँ पे रखी गई हैं वो अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के कुछ अकॉर्डेंस में। बहुत सारी किताबें हैं जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं, जैसे सिनेमा है और इतिहास के कई सारी बुकें हैं, साहित्य की किताबों से तो पूरा रैक ही भरा पड़ा है। तो ये सारी किताबें यूनिवर्सिटी के सिलेबस को टच कर रही हैं और बड़ी अच्छी किताबें हैं जो पढ़ा जाए। जो नई किताबें हैं वो भी यहाँ हैं, बहुत सारे उपन्यास जो इतिहास के बहुत सारे उपन्यास दिख रहे हैं जो सिलेबस से जुड़े हुए हैं। सर आपका क्या मानना है कि इस टाइप की गैलरी लगातार लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। बच्चों के बीच में दुकानें आएँ, प्रकाशक आएँ, तो ये बच्चों के लिए जानने और समझने के लिए अच्छा मौका होता है। बहुत सारे लड़के दुकानों पर नहीं पहुंच पाते हैं इनकी, लेकिन यहाँ पर इनको मिलता है कि हाँ, इस प्रदर्शनी में इस चीज़ को देखा गया था। तो लड़कों के प्रति, जो लड़के आजकल पढ़ाई से कट रहे हैं इस माध्यम को लेकर, टेक्नोलॉजी के दौर से सर, तो किताबें एक माध्यम बनेंगी उनको जुड़ने के लिए। और ख़ास करके ऐसी प्रदर्शनियां अगर लगाई जाती हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, तो बच्चों को जोड़ने में बड़ी कारगर साबित होती हैं। तो सराहनीय पहल है इन लोगों का और ऐसी चीज़ों को लगनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और विद्यार्थी देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, अभी आए थे विद्यार्थियों की, और कितने उत्साह के साथ ये खरीद रहे हैं किताबें। तो अगर युवा किताबों के साथ जितना जुड़ेगा उसके लिए उतना ही फायदा है। तो धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। बाकी भी हम जो आपके स्टूडेंट्स आए हैं उस कुछ स्टूडेंट्स से भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे फोकस करें कि सर के द्वारा चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और ये लोग जो किताबें यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गहनता के साथ एक एक किताब को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। भले ही किताब को ये ना परचेस कर रहे हैं एट दैट टाइम, बट ये किताबों को देख रहे हैं। जो सर ने कहा था कि नई किताबों को जो खोलने का, जो पेज को पलटने का अनुभव होता है, जो उसके इंडेक्स को पढ़ने का अनुभव होता है, वो सभी अनुभव ये लोग बाय द टाइमिंग धीरे धीरे ये लोग महसूस कर रहे हैं। और सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं साथियों, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, और कोई रिसर्च स्कॉलर है, यानी कि पीएचडी वगैरह ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक अंकल जी भी आए हैं, हम उनको भी बात करना चाहेंगे कि वो किस कौन सी किताबों को यहाँ पर ले रहे हैं। तो आगे हम चलते चलेंगे और भी इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हम सर से भी जानेंगे कि किस क्या चीज़, कौन सी किताबें आप ले रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम। आप किस चीज़ की किताब आप ले रहे हैं? मैं लिए हूँ, ये किताब लिया हूँ, भारत में अंग्रेजी राज। अच्छा, सुंदरलाल, अभी पैसा देना है। जी जी जी। तो सर आपने क्या अपनी पढ़ाई में क्या किया है, कुछ अपने जीवन अनुभव को बताइए, और इस उम्र में किताबों से प्रेम, इसके बारे में कुछ आप बताइए। सर, किताबें जीवनदायिनी होती हैं जी। और आपके लाइफ को और आगे बढ़ा देंगी। अगर आप 50 साल जिएंगी तो ये आपको 75 साल जीने के लिए हौसला देंगी, हौसला बुलंद करेंगी, प्रेरित करेंगी, और आपको मुक्ति तक प्रदान कर देंगी। ये जो जिसको कहते हैं कि मुक्त हो गया आदमी, अरहत हो गया, सिद्ध हो गया, तो किताबों से वो सिद्धत्व भी प्राप्त कर सकता है, परमहंस भी बन सकता है। तो आपका ये मानना है कि स्टूडेंट तो आ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस एज ग्रुप के भी लोग किताबों को ले रहे हैं, और किताबों को ले करके सिर्फ अलमारी सजा करके नहीं रखेंगे बल्कि इनके द्वारा किताबों को पढ़ा जाएगा। सर आपके द्वारा अभी तक कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी गई हैं जो हिंदी साहित्य से? कुछ मेरे पास वाणी प्रकाशन की लगभग 60 किताबें होंगी। अच्छा, वाणी प्रकाशन की, इसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ वाणी प्रकाशन की। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वाणी प्रकाशन की 60 किताबें होंगी। वो डॉक्टर धर्मवीर जी की पूरी किताबें हैं, और
जो भी दलित साहित्य में आता है, दलित साहित्य का जितना होगा प्रकाशन, सारा प्रकाशन, अभी मैं 2 साल के भीतर की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल के पहले जो किताबें आती थी लगभग पूरी किताबें हैं, पढ़ने के बाद मैं अच्छे लोगों को पहुँचा दिया हूँ। दूसरी बात, मैं अध्यापक था तो अध्यापक के लिए पढ़ना तो अनिवार्य होता है। अब मेरा लगभग 7 महीना हो गया रिटायरमेंट हुई। हाँ सर, आप कहाँ पे अध्यापक थे? मैं अग्रसेन इंटरकॉलेज लूकरगंज प्रयागराज में करीब 39 साल तक प्रवक्ता भूगोल के पद पर काम कर रहा था और मेरा 7वां महीना चल रहा है रिटायरमेंट का। सर, आप कितने घंटे अब इस स्टेज में, इस उम्र में, रिटायरमेंट होने के बाद, नाती पोता होने के बाद, कितने घंटे तक आप पढ़ाई करते हैं, कुछ इस पे बताइए। केवल 1 घंटा इस, हाँ 1 घंटा डेली पढ़ता हूँ। तो कौन सा ऐसा समय होता है कि जब आप किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं? क्या जब घर में बच्चे भी होते हैं और एक ऐसी अवस्था हो जाती है जहां सबको समय देने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, मेरा कमरा अकेले है और बच्चों से हटकर है, मतलब उसी घर में अलग है मेरा कमरा। तो करीब 11 बजे मैं खाना खा लेता हूँ और 11 बजे के बाद फिर 11 से 3 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। अब बड़ा अच्छा लगता है, अगर नींद आई तो किताब सिरहाने में मेरे रहेगी और मैं सो जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कोई उम्र नहीं होती कहा जाता है किताब पढ़ने की, वही चीज़ यहाँ पे सर ने बता दिया कि वाकई में कोई उम्र नहीं होती है किताब पढ़ने की। जब आप जाग रहे हैं तभी आपका सवेरा हो रहा है, तो आप किताबों से जुड़िए, किताबों के साथ आप, किताबें आपसे बात करेंगी। जब आप किताबों से बात करेंगे तो किताबें आपसे बात करेंगी, वो बिल्कुल इसी के तर्ज पे बनाई जाती है। क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, पढ़ने की कोई उम्र नहीं और पढ़ने में कोई शर्म नहीं। बिल्कुल, तो इसी सभी को साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने आएंगे। जो भी हो सकता था पॉसिबल, उन सभी पॉसिबल चीज़ों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया इस वाणी प्रकाशन साहित्य उत्सव के माध्यम से, जो कि प्रयागराज में लगाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।